राठौर, आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमने 3 बादाम आम लिए हैं। यदि तोल के देखेंगे तो ये 1 किलोग्राम के लगभग होंगे। सारे आम को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वाश कर लिया है। अब हम इनको छील लेंगे। आप लोगों के पास जो भी आम अवेलेबल हो, आप उसकी मैंगो कुल्फी बना सकते हैं। इस तरह से हम आम की ऊपरी परत को छील लेंगे, ऊपर के सारे छिलके हटा देंगे। इस तरह से हमने सारे आमों को छील लिया है। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने आम की ऊपरी परत को छीलकर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आम को छीलकर कट करने के बाद आम की गुठलियां और एक्स्ट्रा छिलके हमने अलग कर दिए हैं। इनको अब हम फेंक देंगे। अब हम कट किए हुए आम की मिक्सर में प्यूरी बना लेंगे। आम का पल्प बनाने के लिए हमने मिक्सर का जूसर जार लिया है। अब हम सारे कट किए हुए आम मिक्सर के जार में डाल देंगे। हमने सारे कट किए हुए आम को मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब हम मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे। हम आम को 1 मिनट के लिए मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मिक्सर में हमने आम का पल्प बना लिया है। हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया है, बिना पानी के ही मिक्सर में इसका पेस्ट बनाया है। अब हम आम के पल्प को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने आम के पल्प को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है सांची गोल्ड का 1/2 लीटर वाला दूध का पैकेट। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए जैसे जैसे हमें सामान की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम सामान ऐड करेंगे। अब हम दूध के पैकेट से दूध को कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। हमने पैकेट से दूध को कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम दूध को गर्म करेंगे। गैस की आंच तेज रहने देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे और उबाल आने तक इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें तेज आंच पर दूध को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम दूध में 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से दूध में मिला देंगे। दूध में थोड़ा फूड कलर ऐड कर देने से हमारी कुल्फी का कलर बहुत अच्छा आएगा। यदि आप लोगों को फूड कलर नहीं ऐड करना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। हमने कलर को अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच तेज रखेंगे और गाढ़ा होने तक दूध को पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर दूध को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दूध उबलने के बाद 1/2 रह गया है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम दूध को कढ़ाई में ही रहने देंगे और दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने दूध को पकाने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। दूध पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हमने दूध को कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम दूध में आम का पल्प मिला देंगे। आम के पल्प को दूध में अच्छे से मिला देंगे। हमने आम के पल्प को दूध में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। हमने मैंगो कुल्फी बनाने के लिए 50 ग्राम के लगभग पिसी हुई चीनी ली है। आप लोग अपने हिसाब से भी चीनी थोड़ी बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई इलायची डाल देंगे। हमने 6 से 7 इलायची को खड़बट्टे में बारीक पीस लिया था। इनको भी अच्छे से आम के पल्प में मिला देंगे।
हमने चीनी और इलायची पाउडर को भी आम के पल्प में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको दही मेशर से अच्छे से इस तरह से मेश कर लेंगे। हमने आम के पल्प को दही मेशर से 2 मिनट तक लगातार अच्छे से मेश कर लिया है। हमारा मैंगो कुल्फी का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसे कुल्फी मोल्ड में जमने के लिए रखेंगे। हमने मैंगो कुल्फी बनाने के लिए इस तरह का कुल्फी मोल्ड लिया है। कुल्फी जमाने के लिए इस तरह का कुल्फी मोल्ड आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। यदि आप लोगों के पास कुल्फी मोल्ड नहीं हो तो आप लोग इस तरह से चाय के डिस्पोजल में भी मैंगो कुल्फी बना सकते हो। अब हम कुल्फी मोल्ड में मैंगो का मिश्रण डाल देंगे। इस तरह से हमने कुल्फी के मिश्रण को कुल्फी मोल्डों में डाल दिए हैं और बचे हुए मिश्रण को चाय के कप में डाल दिया है। अब हम कुल्फी मोल्ड के ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा देंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इनके ऊपर से भी एल्यूमिनियम फॉइल लगा देंगे। इस तरह से हल्के हाथ से दबा देंगे। हमने सारे कुल्फी मोल्ड में एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है। अब हम कुल्फी मोल्ड में इस तरह से बीच में से चाकू से थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा सके। इस तरह से हम सारे कुल्फी मोल्ड में कट लगाएंगे। अब हम इनमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। इस तरह से अब हम इनमें भी हल्का कट लगा देंगे। आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। इस तरह से हमने सारे कुल्फी मोल्ड में आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। अब हम इन्हें 8 से 10 घंटे तक फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। हम इन्हें ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने मैंगो कुल्फी को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दिया था। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कुल्फी जमी है या नहीं। सबसे पहले हम कुल्फी मोल्ड के ऊपर जो एल्यूमिनियम फॉइल लगी है इसको अब हम निकाल देंगे। कुल्फी अच्छे से जम गई है। अब हम डिस्पोजल पे से भी एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल देंगे। हमने सारे कुल्फी मोल्ड से एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल दिया है। अब हम सारी कुल्फी को कुल्फी मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। कुल्फी को कुल्फी मोल्ड से बाहर निकालने से पहले हम इसे नॉर्मल पानी में 1 मिनट के लिए इस तरह से भिगोकर रख देंगे ताकि हमारी मैंगो कुल्फी आसानी से निकल आए। कुल्फी मोल्ड को पानी में भिगोने के लिए ना ही हमने गर्म पानी लिया है और ना ही ठंडा, हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। हमें कुल्फी मोल्ड को पानी में भिगोए हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। अब हम सारी कुल्फी को कुल्फी मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने मैंगो कुल्फी को कुल्फी मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अब हम इस कुल्फी को भी सांचे से बाहर निकाल लेंगे। हाथ की हथेलियों से इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। अब इस तरह से इसे हल्के हाथ से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी स्वादिष्ट मैंगो कुल्फी बनकर तैयार है। इस तरह से आम की ठंडी ठंडी स्वादिष्ट कुल्फी बनकर तैयार है। आम की कुल्फी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में
फ्रूट्स से बनी लिक्विड चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए हमें गर्मी के मौसम में फ्रूट्स से बनी ठंडी ठंडी चीजें जरूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी मैंगो कुल्फी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से मैंगो कुल्फी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।